ओके बेटा, सो आपका जो टॉपिक आपको अलग से देखना था दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आपने पहले भी देख रखा था, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस इसके जो ओवरव्यूज हैं वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, इसके टाइप्स बता दूंगा। दैट इज, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके बेटा, चलो देखो बेटा, आप लोगों ने जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था, इन्फ्लोरेसेंस में आप सभी को पता है इन्फ्लोरेसेंस क्या है, दैट इज योर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड योर इन्फ्लोरेसेंस, इसको आप सभी जानते हैं। हमने देखा था हमारे जो इन्फ्लोरेसेंस थे वो दो तरह के थे, राइट। आपका जो अरेंजमेंट होता था फ्लावर का दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, एंड ये जो इन्फ्लोरेसेंस था आपका, ये दो तरह का था, इट इज ऑफ टू टाइप, राइट बेटा। एक आपका दैट इज रेसिमोस और एक आपका सेकंड वन दैट इज साइमोस। रेसिमोस एंड साइमोस, ये आपके दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़ रखे। व्हाट इज रेसिमोस एंड व्हाट इज साइमोस, कोई बताएगा मुझे? आप सभी ने ये सब जानते हैं, आप सभी ने ये सब पढ़ रखा है पहले भी, कोई मुझे बताएगा बेटा व्हाट इज रेसिमोस एंड व्हाट इज साइमोस? सर मे आई? यस प्लीज आराधना, यस। सर इन रेसिमोस एंड फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो इनडेफिनेटली एंड द फ्लावर्स आर बोर्न ऑन एक्रोपेटल सक्सेशन। यस बेटा, वेरी गुड। एंड साइमोस की बात करेंगे तो? And sir, cymose inflorescence, the main axis terminates into a flower, and the flower is born on a basipetal order. ठीक है बेटा, good, very good. तो यानी कि एक सिंपल से अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमारा रेसिमोस क्या है बेटा, सभी के सभी जानते हैं, दैट इज रेसिमोस के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहेगी। देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ बोले तो यहाँ पे इनडेफिनेट मैनर में ग्रोथ हो रही है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। That is, अगर एक लाइन में बोले तो दैट इज अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, राइट। अनलिमिटेड आपको यहाँ ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरा, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का वो है एक्रोपिटल मैनर, दैट इज एक्रोपिटल मैनर में यहाँ पे आपको फ्लावर का अरेंजमेंट देखने को मिलता था, एक्रोपिटल ऑर्डर यू विल सी है। एक्रोपिटल में क्या होता था बेटा, एज यू ऑल नो कि एक्रोपिटल में क्या होगा, आपका जो पुराने फ्लावर्स होंगे वो नीचे प्रेजेंट होंगे एंड नए फ्लावर जो होंगे वो ऊपर के साइड प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। ठीक है बेटा, लाइक दिस, लाइक दिस। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड योर एक्रोपिटल ऑर्डर। यहाँ पे ये स्टार्टिंग में अपर पोर्शन पे आप देखोगे न्यू फ्लावर्स होंगे जो फर्दर डेवलप होते चले आएंगे और डेवलप होने के बाद नीचे की तरफ आते चले आएंगे, तो दैट इज ओल्ड फ्लावर। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो आपके साइड में एक्सिल, जो आपके फ्लावर बर्ड्स थी जो एक्सिल्स हैं वहां से आपके डेवलप हो रहे हैं, टिप पर डेवलप नहीं हो रहा था। सो दैट्स व्हाई फ्लावर की कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है, यानी आई मीन टू से जो आपका ग्रोथ है रेसिमोस में वो कंटिन्यूअसली होती रहेगी। साइमोस के अंदर आपका क्या था, दैट इज आपकी एक लिमिटेड ग्रोथ होती थी, कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं है यहाँ, यहाँ एक लिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है। एंड यहाँ आपका जो अरेंजमेंट है दैट इज बेसिपिटल है, इट्स अ बेसिपिटल ऑर्डर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, आपका रेसिमोस क्या है, साइमोस क्या है, अगर आपसे बात किया जाए तो आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है और यहाँ एक्रोपिटल ऑर्डर है, साइमोस के अंदर लिमिटेड ग्रोथ है और बेसिपिटल ऑर्डर है। बेसिपिटल में क्या हो गया बेटा, एक सीधी सी चीज की यहाँ आपका जो फ्लावर है ओल्ड फ्लावर है वो तो होगा टिप पर, इट विल बी ऑन द टिप, एंड बाकी जो नए फ्लावर होंगे वो होंगे नीचे की साइड, इट विल प्रेजेंट एंड द लोअर लाइक दिस। आपके ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर साइमोस दैट इज योर बेसिपिटल ऑर्डर, कि मेन जो ओल्ड फ्लावर है वो इसका टिप पर होगा और आपके यंग फ्लावर्स बेस पर होंगे, दिस इज राइट। आप एक याद रख लो, दोनों में से कोई भी, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है। सो दिस इज योर इन्फ्लोरेसेंस जो आपने रेसिमोस और साइमोस के बारे में पढ़ा था।
अब मेरी बात यहाँ पे हमने कल देखा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि मैं इसके टाइप्स बताऊंगा, आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स। तो देखो सबसे पहले हम लोग टाइप्स की बात कर रहे हैं, सारे कुछ नहीं बेटा बस डायग्राम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन से एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, दैट इज विच वन इज इंपॉर्टेंट एंड किन की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिमोज। रेसिमोज में हमने अभी देखा था कंटिन्यूअस ग्रोथ है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ है यहाँ पर। पहली चीज अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, यहाँ अनलिमिटेड ग्रोथ है, और दूसरा यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट है वो क्या था, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल यानी रंग यंग फ्लावर जो होंगे वो ऊपर की साइड है और आपके जो ओल्ड फ्लावर है नीचे की साइड है, तो यहाँ एक्रोपिटल ऑर्डर। अब बेटा इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो देखो बेटा सबसे पहला इसका टाइप है रेसिमी। रेसिमोज और रेसिमी बेटा कुछ डिफरेंस नहीं है, अभी हमने जो ऊपर डायग्राम देखा था रेसिमोज का वो एक्चुअल में आपका रेसिमी ही है, इट्स अ रेसिमी बेटा। आप अगर इसके टाइप देखोगे तो आपको रेसिमोज जो नाम लिया गया है वो रेसिमी से ही लिया गया है, इट्स टेकन फ्रॉम रेसिमी। गॉट इट बच्चों, डन बेटा? यस सर, है ना। अभी मैंने जो आपको बताया था रेसिमी में क्या हो रहा है आपका, ये आपका दिस इज कॉल्ड योर फ्लोरल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड पेंडिकल, एंड यहां से आपके ये फ्लावर डेवलप होते हैं, ये दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, ठीक है। यंग फ्लावर ऊपर की साइड होंगे एंड ओल्ड फ्लावर बेस पर, लाइक दिस, ठीक है बेटा। अब यहां पे आपको दो टर्म्स समझने हैं, फर्स्ट ऑफ एक होता है पेंडिकल, ये दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, अगर ये दो चीज समझ जाओगे सारी कहानी ईजी है आपके लिए, एंड आप समझ जाएंगे बहुत इजी है, ये कुछ टफ नहीं है, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। एंड दूसरा जो है दैट इज पेडिसल, एक है पेंडिकल एक है पेडिसल बेटा, नाम थोड़ा मिलते जुलते होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, पेंडिकल एंड पेडिसल। तो बेटा आपका पेंडिकल क्या होता है, पेंडिकल का मतलब है दिस इज, ये जो मेन स्टेम है जहां से आपके जो फ्लावर्स की जो ये पॉइंट्स हैं ये जो डेवलप हो रहे हैं, दिस मेन एक्सिस इज कॉल्ड योर फ्लोरल एक्सिस, या दिस इज कॉल्ड पेंडिकल, ठीक है बेटा। दैट इज, और ये जो होता है दिस इज योर पेडिसल, दिस इज कॉल्ड पेडिसल, ये आपका पेडिसल है। आई होप सो आपको पेंडिकल और पेंडिसल दोनों में आपको अब डिफ्रेंशिएट हो चुका होगा, दोनों समझ में आ चुके होंगे, पेडिसल क्या होता है और आपका पेंडिकल क्या होता है। गॉट इट बेटा? पेडिसिल आपका जिस पे फ्लावर डेवलप हो रहा है, और पेडिसिल जिस पार्ट से अटैच होता है दैट मेन एक्सिस इज कॉल्ड योर पेडिकल। गॉट इट बेटा? अब समझ में आ गई और अच्छे से। और ये क्या है, दिस इज योर फ्लावर, ये है आपका फ्लावर। तो अभी आपको रेसिमी समझ में आ चुका होगा कि आपके यंग फ्लावर ऊपर होंगे एंड जो आपके ओल्ड फ्लावर है वो सारे के सारे नीचे होंगे, रेसिमोज और रेसिमी में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम, दैट इज क्लियर बात सभी को बच्चों, रेसिमी समझ में आ गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पेंडिकल और पेडिसिल, ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए? यस सर, दिस इज, चलो ये दो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में नाम दे रखे होंगे तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है, पेडिसिल और पेंडिकल लैंग्वेज में समझ में नहीं आता कभी कभी, तो ये चीज आप यहाँ आसानी से समझ सकते थे। और इसका एग्जाम्पल्स क्या है, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो रेसिमी के एग्जाम्पल जो होंगे बेटा, दैट इज ब्रैसिक एसिड, आपके जो भी हैं ब्रैसिक एसिड फैमिली में जितने भी प्लांट्स हैं आपके सारे के सारे क्या होते हैं, दे ऑल कंटेन रेसिमी या रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, उन सभी में होगा, ठीक है। आपके क्या हो गए, मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया, इसके अलावा रेडिश हो गया बेटा, ये कॉमन एग्जाम्पल है जो पूछ लिए जाते, दैट इज ये कॉमन एग्जाम्पल, मस्टर्ड या रेडिश पूछा जाता है, ये आपका ब्रैसिक एसिड नाम। अब आ जाओ नाउ सेकंड वन, इसका डायग्राम अगला आपका आता है, दैट इज स्पाइक। सेकंड वन टाइप इज योर स्पाइक, स्पाइक नाम से समझ में आ रहा होगा, पॉइंटेड होंगे काफी, तो ये आपका क्या बना दिया मैंने, बताओगे मुझे, ये पेडिसिल है पेंडिकल है, व्हाट इज दिस, पेडिकल, पेंडिकल, राइट,
दैट इज पेंडिकल राइट बेटा, ये आपका पेंडिकल हो गया। अब इसमें से आपके क्या होंगे सीट है इस तरह के, इसमें से यहां से क्या डेवलप हो रहे होंगे छोटे छोटे स्पाइक्स टाइप के डेवलप हो लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस। और इस पे आपके ये जो है इन पे क्या प्रेजेंट होंगे बेटा आपके फ्लावर्स प्रेजेंट लाइक दिस दिस वन एंड दिस दैट इज द फ्लावर, ठीक है बेटा, ये आपके फ्लावर हो गए यहाँ पे जो ये डेवलप हो गए, दीज आर द फ्लावर, ठीक है बेटा। और ये फ्लावर कैसे होते हैं, दे आर सेसाइल, सेसाइल का मतलब समझ में आता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेसाइल, कोई गैस करेगा बेटा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो एक डायग्राम, इस डायग्राम को आपने स्पाइक को देखा और अभी आपने ऊपर जो देखा था देख दैट इज रेसिमी बेटा, इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? सभी बच्चों से मेरा क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रेसिमी एंड स्पाइक? द फ्लावर्स आर नॉट अटैच्ड टू द पेडिसल, यस राइट। और कोई बच्चे, गुड बेटा, और कोई बताएगा, और कोई गैस करेगा, एनी अदर? बहुत सिंपल डिफरेंस है बेटा, आप सबको स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा। आप यहां देखो, यहां आपको फ्लोरल एक्सिस दिख रहा है, यानी कि पेंडिकल यहां पे आपको नजर आ रहा है, यू कैन सी हियर पेंडिकल राइट, यानी फ्लोरल एक्सिस यहां प्रेजेंट है। बट बेटा क्या स्पाइक के अंदर पेडिसिल प्रेजेंट है? इज देयर द प्रेजेंस ऑफ पेडिसिल? बताओ, नो सर, नहीं दिख रहा ना, सो दैट इज, आप साफ देख रहे हो यहाँ पे पेडिसिल एब्सेंट है। और जब पेडिसिल नहीं होंगे तो बेटा आपका फ्लावर मूवमेंट नहीं कर पाता, एंड देन दिस इज कॉल्ड सेसाइल, मींस यहाँ आपका मूवमेंट एब्सेंट होता है, फ्लावर का मूवमेंट इज एब्सेंट। और जब फ्लावर में मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। बात समझ में, अब मेरी बात को समझना, एक एक सिंपल से कॉमन वे में समझना बेटा, एक एग्जाम्पल लिखो, ये मेरा हो गया एक प्लांट, आई एम टेकिंग टाइम, आई वॉन्ट आप अच्छे से समझते हुए चलो इस चीज को भी, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब एक सिंपल सी चीज में समझना बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है मेरा मेन पेंडुसल, ठीक है, ये मेरा पेंडुसल है एंड इस पे मेरा छोटा सा पेडिसिल डेवलप हो रहा है, ये पेडिसिल निकल गया, यानी एक फ्लावर का ब्रांच समझ लो, एक कॉमन वर्ड में आपके फ्लावर के प्लांट्स, और ये है मेरा प्यारा सा फ्लावर यहाँ, ठीक है बेटा, एक ये है मेरा पार्ट और एक मेरा है इक्वल स्टेम, इसी तरह का एक प्लांट और है, ठीक है, आई हैव वन मोर प्लांट आल्सो, लेकिन इस प्लांट पे मेरा जो फ्लावर है बेटा वो डायरेक्टली पेडिकल से अटैच्ड, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेडिकल, ये मेरा फ्लावर है जो सीधा मेरे पेडिकल से अटैच्ड है बेटा, लाइक इस तरह से, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा हवा चल रही है बहुत अच्छी सी, विंड मूवमेंट हो रही है, बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही है, तो बेटा कौन सा फ्लावर होगा जो मूवमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द विंड, हवा के थ्रू वो मूवमेंट करेगा, कौन सा करेगा, ये वाला करेगा ए या बी, कौन सा करेगा बेटा मूवमेंट? ए सर, ए करेगा ना, दैट इज द मूवमेंट राइट बेटा, ये आपका मूवमेंट शो करेगा। तो अब आपको समझ में आया पेडिसिल का क्या फायदा होता है, जब पेडिसल्स होते हैं तो प्लांट्स में आपके जो फ्लावर है वो आराम से इजिली मूवमेंट करते हैं हवा के थ्रू, बड़े आराम से लहराएंगे, बड़े आराम से मूवमेंट करेंगे, लेकिन जब वो पेडिसिल ही नहीं है तो प्लांट के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाता, उसके फ्लावर में मूवमेंट नहीं हो पाता। सो दैट इज, इस फ्लावर को मैं क्या बोलूंगा, नाउ दिस इज अ सेसाइल फ्लावर। अब बात समझ में आ गई अच्छे से, आई होप सो समझ में आ चुकी होगी। तो सेसाइल फ्लावर आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा कहाँ मिलेंगे, सेसाइल फ्लावर आपको स्पाइक के अंदर मिलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई बेटा, अब आपको कोई डाउट नहीं रहा, ठीक है हर्षिता, चलो अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे, लेट्स टॉक अबाउट देयर एग्जाम्पल्स, ये आपको कहां मिलते। तो बेटा इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दैट इज आप लिख लो इसको, एकायरेंथेस, 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 दैट्स अ नेम ऑफ प्लांट, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में क्वेश्चन आ जाता है, एकायरेंथेस। Let me check, आप मैं देखता हूँ यहाँ आपको ऑनलाइन मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ,
ताकि एक बार देखते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा आसानी समझ में आ जाता है. एकारेंथेस. That is better. ये है आपका एकारेंथेस फ्लावर. This is acaranthus flower. ये हो गया and ये प्लांट है, ये हो गया. ठीक है बेटा, कंप्लीट नहीं दिखा रहा, सिर्फ फ्लावर दिखा दे रहा हूं. acaranthus वाइल्ड प्लांट है बेटा, जंगलों में आराम से मिलता है, अपने घर के आसपास भी बिक जाता है. This is your acaranthus. अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश. ये है बेटा आपका एकारेंथेस. दिस इज अ मेन फ्लावर. अब आप इसको देख लो डायग्राम्स को, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा. आपको स्पाइक तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस. पॉइंटेड से मत समझ रहा कि हाँ पॉइंटेड है, पॉइंटेड तो है ही है, लेकिन आप ये फ्लावर देख लो, दीज आर द फ्लावर्स. ये फ्लावर है इसके, ये फ्लावर है बेटा, और ये फ्लावर सीधा का सीधा जो मेन एक्सिस है आपका फ्लोरल एक्सिस दैट इज पेंडिकल, उससे अटैच है. Right, that is attached to the pedicle. ये सीधा इससे attached होता है आपके floral axis से. This is our main flower जो आपको दिख रहा है, ये flower है यहाँ पे. These are the flower. And then this is called your sessile flower, or this kind of arrangement is called spike. अब समझ में आ गया बेटा, और अच्छे से diagram से clear हो गया. This is your acaranthus flower. Got it? कोई doubt तो नहीं रहा? ओके आशीष, चलो अब आ जाओ. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अगला टाइप स्पाइक हो गया, रेसिमी हो गया. अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं, दैट इज पेनिकल. थर्ड वन पैनिक. आपने जो रेसिमी देखा था अभी, ये रेसिमी की तरह ही है बेटा. इट इज लाइक अ रेसिमी. इसमें कोई, इसमें और रेसिमी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. ये मैंने बनाया इसका दैट इज बेटा मेन पेंडिकल. ठीक है, दिस इज मेन पेंडिकल. एंड यहां पे आपके ये क्या निकल रहे हैं, दैट इज पेडिसल. दैट इज पेडिसल. और इन पेडिसल्स में से आपके क्या डेवलप हो रहे हैं बेटा, दैट इज फ्लावर डेवलप हो रहे हैं. लाइक दिस, लाइक दिस. Like this bit. ठीक है, this. Like this. ठीक है बेटा, ये हो गया आपका, this is pedicle. और ये हो गया आपके, that is, ये pedicels हो गए, ये these are pedicels. ठीक है, पेडिसल्स बोल सकते हैं या यू कैन से दैट इज पेडिसिलेट. यू कैन से पेडिसिलेट. यानी इन शॉर्ट, आपने रेसिमी देखा था, जो आपका रेसिमी कैसा था, अनब्रांच था. पेनिकल्स में क्या होता है बेटा, ये ब्रांच होता है. आप बोल सकते हैं कि आपके यहाँ पेंडिकल्स कैसे हैं, ब्रांच है बेटा. यहाँ पेंडिकल्स आर ब्रांच्ड, दैट इज यहाँ ये कैसे हो जाते हैं, ब्रांच हो जाते. तो ये आपका बस इतना सा डिफरेंस है रेसिमी और पेडिस्पेनिकल में. रेसिमी आपका अनब्रांच्ड है और पेनिकल आपका दैट इज ब्रांच स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर. बट इसका एग्जांपल दैट इज गुलमोहर.
गुलमोहर जो होता है बेटा, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर पैनिक. गॉट इट? आ गई बात समझ में बेटा? आपको पैनिकल और आपके रेसिमी दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, अब आ जाओ नाउ अगला टाइप पे, दैट इज फोर्थ वन, स्पाइकलेट. ठीक है बेटा, ये आपका स्पाइक का ही है, जैसे आपने अभी स्पाइक देखे थे ये भी वैसे ही है, उसी की तरह ही है बेटा. दैट इज ऑल्सो लाइक दिस. थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यहाँ. That is good. ये आपका स्पाइकलेट होते हैं. स्पाइक आपके सीधे सीधे थे, जहां पे आपके पेंडिकल से सीधा सीधा क्या हो रहा था, पेडिसल नहीं था, वहां पे आपका सीधा सीधा पेंडिकल से फ्लावर निकल रहा था. यहाँ थोड़ा सा ब्रांच टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखे. यू विल सी सच काइंड ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर हियर, एंड दिस इज कॉल्ड लैमा. That is good. ठीक है बेटा, दैट इज दिस. इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, हल्का सा, ताकि आप ज्यादा बेटर डिफरेंशिएट कर सकते. दिस इज ठीक है बेटा, दैट इज. एंड दिस इज ठीक है बेटा. चलो अब इसकी यहाँ पे थोड़ा नेमिंग को ध्यान से समझना. नेमिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट आती है. द नेमिंग इज इंपॉर्टेंट हियर. इसको मैं थोड़ा ढंग से नेमिंग इज इंपॉर्टेंट हियर. दैट इज नेमिंग. चलो ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ पे देखो. सबसे पहले ये तो ऊपर फ्लावर है, दीज आर द फ्लावर्स. यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ कलरफुल पार्ट्स दिखाए हैं अलग से, दैट इज कॉल्ड लैमा. इनको हम लोग लैमा कहते हैं. और ये लैमा जो होता है, दैट इज फर्टाइल ब्रैक्स. ब्रैक्स होते हैं, ब्रैक याद है ना आप लोग? आपके फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर कवरिंग होती थी, आपका लीव्स के ही मॉडिफिकेशन होता था. दैट इज ब्रैक्स. हमने आपको बताया था बोगनविलिया प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट था, याद है? That is, yes. ये आपके लैमा होते हैं, आपके स्पाइकलेट. स्पाइकलेट जो होते हैं वीट के अंदर देखने को मिलता है आपको. एंड यहाँ आपके फर्टाइल और स्टेराइल दोनों तरह के ब्रैक्स होते हैं बेटा. जो फर्टाइल ब्रैक्स होते हैं उनको कहते हैं हम लैमा, और जो ये स्टेराइल ब्रैक्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये होते हैं बेटा आपके स्टेराइल ग्लूम्स. ये हैं आपके ग्लूम, इनको कहते हैं हम ग्लूम. ग्लूम और कुछ नहीं, ये भी आपके स्टेराइल ब्रैक्स हैं. These are sterile bracts. So now you can understand. और सबसे नीचे जो main axis होता है, this is the main axis.
जिसपे आपका ऊपर फ्लावर डेवलप होता है. दिस मेन एक्सिस इज कॉल्ड रैचेस या रैचिला. रैचिला कह दो, रैसिस कह सकते हो, यू कैन से रैसिस ऑल्सो, इसको आप रैसिस भी कह सकते हो. सो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. ऊपर ये फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, यहाँ ये फ्लावर्स हैं, दीज आर द फ्लावर, ठीक है. और ये ऊपर की साइड की जो ब्रैक्स हैं बेटा, ऊपर वाले जो ये ब्रैक्स हैं, ये आपके लैमेला लैमा, दैट इज आपके फर्टाइल्स होंगे. और नीचे वाले जो ब्रैक्स होते थे ये इनफर्टाइल होते हैं, यानी स्टेराइल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लूम्स कहते हैं. सो और आपका मेन एक्सिस दैट इज कॉल्ड रैचेस या रैशिला, और इसका एग्जाम्पल है दैट इज वीट. वीट के अंदर जो ये फ्लावर आता है बेटा, आपने ग्रेन्स देखे होंगे अनाज को कभी खेतों में, अगर लाइक आई डोंट नो आप लोग क्या फील्ड होंगे कि नहीं होंगे, उधर आप कभी गए हो कि नहीं अपने विलेजेस में, अगर कभी देखो तो वहां पे अगर आप एक फील्ड के अंदर अगर वीट प्लांट को देखोगे ना, तो उसमें फ्लावर जब डेवलप होगा तो वो काफी पॉइंटेड होते हैं. दीज आर वेरी पॉइंटेड एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दैट. और उनके स्पाइकलेट, अब आपको समझ में आ गया, आपको याद रखना है स्पाइक के अंदर वहां पेडिसिल आपका एबसेंट था, फ्लावर सीधा पेडिकल से अटैच, वो आपका स्पाइक. लेकिन यहाँ आपके कुछ टर्म्स आ गए, यहाँ ब्रैक्स है, ब्रैक्स आपके यहाँ दो हैं, एक फर्टाइल है, एक आपके स्टेराइल है. जो फर्टाइल है दैट इज लैमा, जो आपके स्टेराइल है दैट इज ग्लूम्स, और जो मेन एक्सिस है दैट इज रैचिस या रैचिला. ये टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं. और स्पैकलेट का एग्जाम्पल आपका वीट का है. गॉट इट बेटा, सभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ये टर्म समझ में आ गए सारे? अविनाश के अलावा बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ठीक है. ये सारे नीट में आते हैं, क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं. ओके, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं, जहां जहां इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे मैं बता दूंगा. जैसे स्पैकलेट में वीट का है, लेकिन आपको ये टर्म्स ध्यान रखना, लैमा क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ग्लूम्स क्या होते हैं, एंड रैशिला या रैचिस ये क्या होता है, मेन एक्सिस से. ये टर्म्स आपको ध्यान रखने, दैट इज. अब आ जाते हैं इसके बाद, अगला है आपका दैट इज कॉल्ड कैटकिन. नेक्स्ट टाइप है आपका कैटकिन. ये सभी अभी हम रेसिमोस के ही टाइप्स देख रहे हैं. इन सभी में जो आपका अरेंजमेंट है वो सब एक्रोपिटल, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है, एक्रोपिटल ऑर्डर. नाउ कैटकिन, दैट इज इट. ये आपका यहाँ पे दैट इज ठीक है कैट, ये मेन ब्रांच है, वहां से ये आपका दैट इज, ये आपका कैटकिन को याद रखने का सिंपल सा तरीका है दैट इज पेंडुलेट स्पाइक. आपका पेंडुलेट स्पाइक जो होता है बेटा, आप इस तरह से आराम से याद रख सकते हो. बच्चों स्पाइक याद है, अभी मैंने आपको बताया था स्पाइक में मैंने क्या कहा था आपका, दैट इज कि आपका पेंडुलेट जो पेंडुकल है वो प्रेजेंट है और पेडिसिल एब्सेंट होता है. ये भी सेम वैसे ही बेटा, आप स्पाइक को उल्टा कर दो, स्पाइक को उल्टा लटका दोगे ना पेडिसिल आपका, तो आपका क्या बन जाता है, दैट इज लाइक अ कैटकिन, वो आपका कैटकिन हो गया. तो यहाँ देखो सेम वैसे ही आपका, जैसे नीचे की तरफ यहाँ देखो, इधर की तरफ ये मेन फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर, दिस इज फ्लावर, ये फ्लावर हो गया, दिस इज फ्लावर एंड दिस इज फ्लावर. तो आप खुद देखो ये आपको सेम स्पाइक की तरह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने स्पाइक देखा था, स्पाइक में क्या देखा था आपका, ऐसा था स्पाइक जहां आपके फ्लावर इस तरह से डेवलप हो गए थे. ये फ्लावर हो गया था, ये फ्लावर हो गया था, दिस इज द फ्लावर एंड दिस इज द फ्लावर, यही तो था हमारा स्पाइक, दैट वॉज द स्पाइक. अब इसी स्पाइक को आप इन्वर्ट कर दो, ठीक है, आप इसको एक पेंडुलम की तरह उल्टा कर दो, तो ये आपका क्या बन जाता है, देन इट इज योर कैटकिन. आई बात समझ में बेटा? यस, फिर से बताऊं? यस सर, वो स्पाइक हाँ बेटा. अविनाश यस क्या कह रहे हो, स्पाइक का तुम क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था वो फ्लावर्स जिसपे मतलब है वो ब्रैक्स हैं.
स्पाइकलेट बोल रहा हूँ, ये आपके ब्रैक्स एक तरह से ब्रैक टाइप के स्ट्रक्चर्स होती है, ये वो है. That is, क्या था वो, जैसे आपके लीव्स में स्टिप्यूल्स आ रहे थे, डेवलप हो जाते थे उनमें ब्रांचेस में से, सेम ऐसे ही यहाँ पर इनमें से डेवलप हो जाते हैं, स्टिप्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो इनमें से डेवलप हो जाती है. ठीक है अविनाश? Yes, sir. अच्छा अब ये चीज समझ में आ गई सभी को, कैटकिन और स्पाइक दोनों, स्पाइक के उल्टा आपका कैटकिन, और ये एग्जाम्पल इसका बेटा क्या है, मलबेरी एग्जाम्पल है इसके. राइट डाउन एग्जाम्पल्स, मलबेरी और ओक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैटकिन. मलबेरी आप सभी जानते हो, इसका एक और बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है. कहाँ यूज होता है कोई बता सकता है मुझे, मलबेरी का यूज कहाँ होता है? यस बेटा, यस बेटा, सेरिकल्चर के अंदर, राइट. आपके सिल्क का प्रोडक्शन जब करते हैं तो आप जब सिल्क वॉर्म को डेवलप कराते हो, उसको ग्रो कराते हो, तो मलबेरी के ऊपर ही कराते हैं, तो वहां इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. That is. तो ये हो गया, इसमें आपका क्या हो गया, इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन हो गया. गॉट इट? अब आ जाओ इसके बाद अगला, नेक्स्ट स्पैडिक्स. नेक्स्ट है आपका स्पैडिक्स. स्पैडिक्स का मैं डायग्राम निकाल के देता हूँ आपको, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट गिव मी वन मिनट बेटा, एक मिनट देता हूँ. बेटा आप सभी ने लिख लिया है पीछे का जितना भी है, किसी का रह तो नहीं गया? सर वो ओक है ना? हाँ बेटा ओक है. बच्चों सभी ने कंप्लीट कर लिया ऊपर के, हमने जितने भी टाइप्स देखे इन्फ्लोरेसेंस के, रेसिमोस के? यस सर, कंप्लीटेड. ओके ग्रेट आराधना बच्चे, चलो अब आ जाओ नाउ स्पैडिक्स पे. तो आपका स्पैडिक्स का डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको. दिस इज द स्पैडिक्स, ये आपका स्पैडिक्स हो. ठीक है बेटा मैं डायरेक्टली डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया, दिस इज ये स्पैडिक्स है बेटा. आप जो मेज खाते हो ना, मेज मक्के को खाते हो, तो मक्के को खाने के बाद उसका जो पार्ट होता है ना व्हाइट कलर का, जो आप खाली छोड़ देते हो, फेंक देते हो, जो That is, वो आपका स्पैडिक्स का ही पार्ट होता है. That is a part of spadix also. दिख रहा है ये डायग्राम आपको, साफ समझ में आ रहा है? That is, ये आपका स्पैडिक्स है एंड ये इडिबल होता है, खाया जाता है. जैसे मेज में आप देखते हो, मेज में आप खाते हो, तो वो आपका स्पैडिक्स का ही पार्ट खा रहे हो. जो आप सीड्स खाते हो वो आप स्पैडिक्स का ही पार्ट है, और जो छोड़ देते हो दैट इज ऑल्सो. ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है मेज का, वो स्पैडिक्स होता है. समझ में आ जाएगा मेज से आप सभी को? आउटर कवरिंग, यस बेटा, इसका एग्जाम्पल है मेज एंड कोलोकेशिया. मेज एंड कोलोकेशिया बेटा, ये आपके एग्जाम्पल है स्पैडिक्स के. स्पैडिक्स में कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो इसका जैसे क्या होता है, फ्लैशी एक्सिस होता है जिसको आप खाते हो, इसका एक्सिस दैट इज फ्लैशी होता है, फ्लैशी एक्सिस है.